हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। मेरा नाम यशवंत और आप देख रहे हैं ट्रेन अपडेट न्यूज़ चैनल। आज मैं आपको बड़ी अपडेट दूंगा। गोरखपुर से मुंबई के मध्य चलने वाली 3 ट्रेनों की रेलवे ने नया समय सारणी और उनका ट्रेनों का नया नंबर जारी कर दिया है। मैं आपको बताऊँगा इन ट्रेनों का क्या नया नंबर है और कब से ये ट्रेनें चलना प्रारंभ हो जाएंगी नए नंबर के साथ। उससे पहले मैं आपको बता दूँ, जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो नीचे लाल बटन दबाकर चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें, जिससे कि आपको रेलवे से जुड़ी लेटेस्ट वीडियो प्राप्त होती रही। चलिए आई वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, ये नोटिफिकेशन 9 फरवरी को जारी किया गया, मुंबई से जारी किया गया। मैं आपको इसमें गोरखपुर से मुंबई के मध्य चलने वाले 3 जो ट्रेनों की नई समय सारणी और उन ट्रेनों का नया नंबर भी आपको बताऊंगा। देखिए, जिसमें पहली जो ट्रेन है वो गोरखपुर से मुंबई के मध्य चलती है, पर डे चलती है। वर्तमान में ये ट्रेन जब चल रही तो ट्रेन नंबर है इसका 02542। जब ये गाड़ी मुंबई से चलती है यानी LTTC से चलती है गोरखपुर के लिए, लेकिन अप्रैल से यानी 11 अप्रैल से इस ट्रेन का नया नंबर रहेगा। जब 11 अप्रैल से ये लोकमान्य तिलक टर्मिनल से चलेगी तब ट्रेन नंबर रहेगा 02103। जब भी सभी गाड़ियां यानी जब सभी गाड़ियां नॉर्मल होकर चलना प्रारंभ हो जाएगी तब जाकर रेलवे ने इसका दूसरा नंबर भी जारी कर दिया, वो है 20103। ये नंबर जब इस ट्रेन में लागू होगा जब सभी गाड़ियाँ पहले जैसे चलना प्रारंभ हो जाएंगी। वर्तमान में ये गाड़ी जब गोरखपुर से चलती है तब इस ट्रेन का नंबर रहता है 02541, लेकिन अप्रैल से यानी 12 अप्रैल से इस ट्रेन का नंबर रहेगा जब ये गोरखपुर से चले तब ट्रेन नंबर रहेगा 02104। और जब इसके बाद से जब सभी गाड़ियां चलना प्रारंभ हो जाएगी यानी पहले जैसी लॉकडाउन के पहले जैसी, तब इस ट्रेन का नया नंबर जारी कर दिया गया, वो रहेगा 20104। और ये ट्रेन LHB कोचों के साथ चलेगी। ट्रेन गोरखपुर से LTTC के मध्य पर डे चलती है, सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन है। अब मैं आपको नेक्स्ट गाड़ी बता देता हूँ, वो है काशी एक्सप्रेस। ये गोरखपुर से LTTC के मध्य चलती है। देखिए, ये ट्रेन वर्तमान में 05018 नंबर के साथ चल रही है। जब सभी पहले जैसी गाड़ियाँ चलना प्रारंभ हो जाएंगी तब इस ट्रेन का नया नंबर रहेगा 1058। ये ट्रेन है गोरखपुर से जब चलती है LTTC के लिए। देखिए, जब ट्रेन गोरखपुर से LTTC के लिए चलेगी काशी एक्सप्रेस, वर्तमान में इस ट्रेन का नंबर 05017, लेकिन जब पहले जैसी गाड़ी चलना प्रारंभ हो जाए तब इस ट्रेन का नंबर रहेगा 1517। देखिए, इसमें LHB कोच लगा दिए हैं, साथ ही इस ट्रेन की नई समय सारणी भी जारी कर दी गई। पहले इसमें 22 कोच थे, अब भी 22 रहेंगे और नए LHB कोच लगाए गए हैं। इस ट्रेन का नया टाइम टेबल 9 अप्रैल से जब ये ट्रेन गोरखपुर से चली और जब LTTC से चली 11 अप्रैल से, तब नया परिवर्तन लागू रहेगा। मैं आपको इन सभी ट्रेनों के नए टाइम टेबल के बारे में आगे बताऊँगा। अब मैं आपको आगे कुशीनगर एक्सप्रेस के बारे में बता देता हूँ। देखिए, वर्तमान में इस ट्रेन का कुशीनगर एक्सप्रेस का जो ट्रेन नंबर है वो है 010015, लेकिन इसका नया नंबर रहेगा 11 अप्रैल से जब ये ट्रेन चलेगी LTTC से चलेगी तब ट्रेन नंबर रहेगा यानी मुंबई से 02538। और जब पहले जैसे सभी गाड़ियाँ चलना प्रारंभ हो जाएगी तब कुशीनगर एक्सप्रेस का नया नंबर रहेगा 22538 यानी 22538। ये ट्रेन जब गोरखपुर से चलेगी तब वर्तमान में जो ट्रेन नंबर है वो है 01016, लेकिन इस ट्रेन का जो नया नंबर रहेगा वो 13 अप्रैल से 02537 रहेगा जब ये गोरखपुर से चलेगी। जब सभी गाड़ियां चलना प्रारंभ हो जाए तब इस ट्रेन का नया नंबर रहेगा 22537। तो ये ट्रेन है कुशीनगर एक्सप्रेस LHB कोचों के साथ चल रही है और इसकी नई टाइम टेबल भी जारी कर दिया गया। आइए मैं आपको एक एक करके सभी का नया टाइम टेबल भी बता देता हूँ। पहले मैं आपको गोरखपुर से जो चलती है LTTC के लिए सुपरफास्ट एक्सप्रेस है, देखिए गोरखपुर से इस ट्रेन में नया टाइम टेबल 11 अप्रैल से लागू होगा, जबकि LTTC से जब ये ट्रेन चलेगी तो 12 अप्रैल से इस ट्रेन में नया टाइम टेबल लागू कर दिया गया। आइए मैं आपको इसका टाइम टेबल बता देता हूँ। ये गोरखपुर से चलती है LTTC सुपरफास्ट एक्सप्रेस से पर डे चलती है। LTTC से 11 बजे रात में डिपार्चर करेगी, भुसावल आएगी 12:05 पर, खंडवा 2:15 पर, इटारसी 4:35 पर, भोपाल 6:15 पर, झांसी पहुँचेगी रात के 10:10 पर, उरई पहुँचेगी 11:40 पर। इसके बाद यह गाड़ी कानपुर सेंट्रल आएगी 3:35 पर, ऐसबाग 6:00, बाराबंकी 6:47 पर, गोंडा पहुँचेगी 9:00। इसके बाद यह गाड़ी बस्ती पहुँचती है 10:20 पर, खलीदाबाद 10:45 पर, गोरखपुर सुबह 11:45 पर गोरखपुर आ जाएगी। जब यह ट्रेन गोरखपुर से 11 अप्रैल को चलेगी तब इस ट्रेन में नया टाइम टेबल लागू रहेगा। गोरखपुर से यह गाड़ी रात के 10:30 पर डिपार्चर करेगी यानी 10:30। इसके बाद यह गाड़ी खलीराबाद पहुँचेगी 11:08 पर, बस्ती पहुँचेगी 11:36 पर,
गोंडा आएगी 12:55 पे, 3:14 पे बाराबंकी, 4 बजे ऐसवाग, 6:25 पे कमलपुर सेंटर, 7:07 पुरई पहुँचेगी सुबह के 8:10 पे, झांसी 10:55 पे, भोपाल 2:40 पे इटारसी, 4:25 पे खंडवा, 7:08 पे रात की 9:05 पे भुसावल, और इसके बाद यह गाड़ी LTT पहुँच जाएगी 4:35 पे सुबह। तो ये गोरखपुर LTT सुपरफास्ट एक्सप्रेस है डेली। देखिए LTT से चलेगी तब इसका ट्रेन नंबर रहेगा अप्रैल में 0210 थी। जब ये गाड़ी गोरखपुर से चलेगी 12 अप्रैल से, 11 अप्रैल से जब गोरखपुर से जब चलेगी तब ट्रेन नंबर रहेगा 02104। आइए हम नेक्स्ट गाड़ी देखते हैं। ये नेक्स्ट ट्रेन है काशी एक्सप्रेस, इसकी जो समय सारणी है वो 9 अप्रैल से जब LTT से चलेगी यानी लोकमान्य टर्मिनल से चलेगी तब इसका टाइम चेंज रहेगा। जब ये गाड़ी गोरखपुर से चलेगी 11 अप्रैल से तब इस ट्रेन का नया टाइम टेबल चेंज रहेगा। आइए मैं आपको नया टाइम टेबल बता देता हूँ। जब ये गाड़ी 9 अप्रैल को चल रही है ट्रेन नंबर रहेगा 0517 के साथ। इसका ट्रेन नंबर नहीं चेंज किया, इसका ट्रेन नंबर जब चेंज किया गया जब सभी गाड़ियाँ नॉर्मल हो जाएंगी, सभी गाड़ियाँ पहले जैसे चलना प्रारंभ हो जाएंगी। मैं आपको दोबारा बता देता हूँ, अब ये नए नंबर के साथ इन सभी ट्रेनों की टिकट की बुकिंग शुरू हो गई है। LTT से यह गाड़ी 6:35 पर चलेगी सुबह, इसके बाद यह कल्याण पहुँचे 7:17 पर, नासिक 9:55 पर, जलगांव दोपहर में 1:08 पर, दोपहर में 2 बजे भुसावल पहुँचेगी। इसी क्रम में यह गाड़ी आगे बढ़ती है, इटारसी रात के 8:40 पर पहुँचेगी, जबलपुर पहुँचेगी 12:30 पर, कटनी पहुँचेगी 2:20 पर, मानिकपुर 5:25 पर पहुँच जाएगी। इसके बाद यह गाड़ी प्रयागराज जंक्शन पहुँचे 7:55 पर, बनारस पहुँचेगी दोपहर के 1 बजे, और यार जंक्शन 1:56 पर पहुँच जाएगी। इसके बाद यह गाड़ी बेलथरा रोड पहुँचे 4:08 पर, भटनी पहुँचे 4:55 पर, देवरिया सदर 5:19 पर, 6:40 तक यह गाड़ी गोरखपुर पहुँच जाएगी। तो ये ट्रेन है काशी एक्सप्रेस जो कि गोरखपुर से चलती है LTT के मध्य। इसके नई टाइम टेबल के बारे में आपको बता रहा हूँ। देखिए काशी एक्सप्रेस गोरखपुर से 5:45 पर सुबह डिपार्चर करेगी, देवरिया सदर 6:40 पर पहुँचेगी, बेलथरा रोड पहुँचेगी 7:54 पर, मऊ पहुँचेगी 8:35 पर, इसके बाद यह गाड़ी बनारस पहुँच जाएगी 11:10 पर, प्रयागराज पहुँचेगी दोपहर के 3:50 पर, प्रयागराज पहुँचेगी मानिकपुर 6:20 पर, इसके बाद यह गाड़ी कटनी पहुँच जाएगी रात के 8:55 पर, जबलपुर रात के 10:10 पर जबलपुर पहुँच जाएगी यह गाड़ी। इसके बाद यह गाड़ी धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए इटारसी पहुँचे 3:40 पर, नासिक दोपहर में 1:20 पर आ जाएगी, और शाम के 5:15 पर यह LTT आ जाएगी। तो ये LTT गोरखपुर काशी एक्सप्रेस है। मैंने आपको इसका नया टाइम टेबल भी बता दिया, अब ये नए टाइम टेबल नए नंबर के साथ इस ट्रेन की बुकिंग शुरू हो गई है। देखिए इस ट्रेन के नंबर में अभी कोई चेंजेस नहीं गया है, काशी एक्सप्रेस का सिर्फ टाइम टेबल ही बदला गया है, जबकि कुशीनगर एक्सप्रेस और साथ ही जो गोरखपुर से LTT चलती है डेली एक्सप्रेस सुपरफास्ट, उस दोनों ट्रेनों का नया नंबर भी जारी कर दिया। अब मैं आपको कुशीनगर एक्सप्रेस के बारे में बता देता हूँ। नगर एक्सप्रेस है ये ट्रेन 11 अप्रैल से जब लोकमान्य तिलक टर्मिनल यानी मुंबई से चलेगी तब इस ट्रेन का नया नंबर रहेगा 02538, और जब ये गोरखपुर से 13 अप्रैल से चलेगी तब इस ट्रेन में टाइम टेबल भी चेंज रहेगा, और साथ ही इसका नया नंबर रहेगा 02537। आइए मैं इसका नया टाइम टेबल बता देता हूँ। LTT से 12:35 पर चलेगी रात में, इसके बाद यह गाड़ी नासिक 4 बजे पहुँचेगी, जलगांव सुबह 7:23 पर, भुसावल 7:55 पर पहुँच जाएगी, इसके बाद इटारसी 12:50 पर पहुँचेगी, हबीबगंज पहुँचेगी 2:38 पर, 2:55 पर भोपाल आ करेगी, इसके बाद यह गाड़ी बीना पहुँचेगी शाम के 5:15 पर, बीना पहुँचेगी, ललितपुर 5:59 पर, झांसी पहुँचे 7:07 पर, उरई 8:40 पर, कानपुर सेंट्रल रात के 12:05 पर कानपुर सेंट्रल आ जाएगी, उन्नाव पहुँचेगी। ये कुशीनगर एक्सप्रेस है जिसके बारे में बता रहा हूँ, 12:42 पर उन्नाव आएगी, ऐसबाग 1:42 पर, बाराबंकी 2:11 पर, 2:45 पर बाराबंकी पहुँच जाएगी, गोंडा पहुँचेगी 3:57 पर, इसके बाद यह गाड़ी बस्ती पहुँचे 5:19 पर, खरीदाबाद 5:44 पर, गोरखपुर सुबह 7:05 पर गोरखपुर पहुँच जाएगी। ये कुशीनगर एक्सप्रेस है। जब कुशीनगर एक्सप्रेस 13 अप्रैल को गोरखपुर से चलेगी तब यह गाड़ी गोरखपुर से 5:45 पर शाम को डिपार्चर करेगी, खरीदाबाद 6:24 पर, बस्ती 6:52 पर, इसके बाद यह गाड़ी गोंडा आएगी 8:25 पर, बाराबंकी 10:03 पर, ऐसबाग पहुँचेगी 11:25 पर, कानपुर सेंट्रल पहुँचेगी 1:30 12:53 की टाइमिंग इसकी उन्नाव की, उरई पहुँचे 3:14 पर, इसके बाद यह गाड़ी झांसी पहुँचाई 5:30 पर सुबह झांसी पहुँचेगी, ललितपुर 6:43 पर, बीना 7:40 पर, इसके बाद यह गाड़ी भोपाल पहुँचे 9:55 पर, इटारसी पहुँचेगी कुशीनगर एक्सप्रेस 11:55 पर,
इसके बाद यह गाड़ी नेक्स्ट स्टॉपेज जो रहेगा, जैसे कि आप देख सकते हैं खंडवा पहुँचे 2:37 पर। कुशीनगर एक्सप्रेस सुबह नासिक आएगी रात के 8:37 पर, रात को नासिक आ जाएगी। LTT रात के 12:10 पर आ जाएगी। तो ये कुशीनगर एक्सप्रेस है जिसके बारे में मैंने आपको बता दिया। तो आज मैंने आपको लगभग 3 ट्रेनों के बारे में बताया। ये तीनों ट्रेनें LTT से गोरखपुर के मध्य चलेंगी नए नंबर के साथ और नए टाइम टेबल के अकॉर्डिंग चलना प्रारंभ हो जाएंगे अप्रैल से। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए प्लीज़ लाइक करें, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो नीचे लाल बटन दबाकर चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जल्द मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैवी नाइस।